नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज में। स्वास्थ्य की दिशा में योगी सरकार जल्द ही राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। अब यूपी के सभी पीएचसी और सीएचसी में हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। मरीज इन मशीनों के जरिए अपनी हेल्थ की जांच खुद ही कर सकेंगे। एटीएम के जरिए मुफ्त में शुगर, बीपी, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल समेत कई अन्य जांचें की जा सकेंगी। इस सुविधा से मरीजों को भी काफी आसानी होगी। योगी सरकार के इस कदम के साथ ही पीएचसी और सीएचसी में टेस्ट के लिए ना ही स्टाफ पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और ना ही मरीजों की लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी। मरीज अब खुद ही अपनी ये सभी जांचें कर सकेंगे। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा गांव और कस्बों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। मॉडर्न मशीनों के जरिए अब 59 तरह की जांचें मरीज खुद ही कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अस्पताल स्टाफ के आगे पीछे नहीं घूमना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डॉक्टर्स डेली कंसल्टेंसी के जरिए अब सीधे हेल्थ एटीएम से जुड़े रहेंगे, वहीं जांच कराने वालों को गाइड करेंगे। अब ओपीडी जैसी सुविधा हेल्थ एटीएम में लगेगी। सरकार का कहना है कि हेल्थ एटीएम लगने से लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वहीं डॉक्टर्स रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का इलाज करेंगे। कोरोना काल में योगी सरकार का ये फैसला काफी फायदे से भरा बताया जा रहा है। कैश एटीएम मशीनों की तरह ही हेल्थ एटीएम को भी पब्लिक प्लेस पर लगाया जाएगा। वहीं ट्रेनिंग के बाद टेक्नीशियंस को भी हेल्थ एटीएम में तैनात किया जाएगा, जिससे मशीनों की सही से देखभाल हो सके। सरकार की इस योजना से लोगों की हेल्थ रिलेटेड फायदा होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जल्दी ही हेल्थ एटीएम लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम योगी की तरफ से इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इस काम में कई बड़े बिजनेस ग्रुप सरकार की मदद करेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहिए सीटीडी न्यूज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।